फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमास कॉर्नर। और मैं हूँ नीमा। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ दो बीबी क्रीम के बारे में, कौन सी है आपके लिए बेस्ट। तो आज मैं आपको एडवाइस करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी गार्नियर बीबी क्रीम की। 30 ग्राम की ये है ट्यूब और इसका प्राइस है 132 रुपीज़, जो कि मैंने अभी अभी अमेजोन से देखा है, क्योंकि अमेजोन पे इसमें डिस्काउंट मिलता रहता है, तो अभी डिस्काउंटेड प्राइस है 132 रुपीज़ का। तो ये है गार्नियर की, 30 ग्राम की नेट वेट है इसका। तो चलिए सनसी की बात करूँ तो ये थोड़ी सी यार लिक्विड ही मुझे लगती है। ये थोड़ी सी ना, अगर गलती से थोड़ी सी ज़्यादा निकल गई तो थोड़ी देर बाद ये पूरे आपके हाथ में इधर तक आ जाएगी। तो ये है थोड़ी सी लिक्विडी। कलर की अगर मैं बात करूँ तो इसका कलर है बिल्कुल फाउंडेशन की तरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्किन टोन पे ये, हर स्किन टोन पे ये सही नहीं लगेगी, क्योंकि जो फाउंडेशन का कलर होता है ना, जब हम चेक करके लेते हैं तो इसको भी थोड़ा सा चेक करके लेना चाहिए। बट इसमें तो यार एक ही कलर आता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। मेरे लिए तो ये चल जाती है। अगर आपका स्किन टोन मेरी तरह है तो आप बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा लगा के देख लेना, नहीं तो ये आपके फेस को थोड़ा सा अलग सा चमका देगा, ऐसा मुझे लगता है। बात करूं अगर इसकी तो ये है डेली ऑल इन वन मॉइस्चराइजर, SPF 24, PA++, UAV, UVB प्रोटेक्शन, ये सब आपको दे रही है भाई। तो मतलब इसको अगर आप लगाते हो ना तो आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है ना, गर्मियों में सनस्क्रीन लगाना भी बहुत जरूरी है। बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, मेकअप, ये सब जब हम लगाते हैं ना तो बहुत सारी लेयर्स बन जाती है फेस पे, जो कि बहुत बेकार लगती है। तो सनस्क्रीन की जगह पे आप इसे लगा लीजिए, आपका काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये है लिक्विडी। लिक्विड होने की वजह से क्या होता है ना, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। ये देखिए, कवरेज ये आपको नहीं देती है। ये मत सोचिएगा कि भाई आपको बहुत अच्छी कवरेज मिल जाएगी, एक लो कवरेज आपको जरूर मिल जाएगी, बट हाँ कोई ऐसी कवरेज नहीं मिलती है इससे कि आपको कोई फाउंडेशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब बात करती हूँ फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम की। ट्यूब फॉर्म में ये आता है। अगर मैं आपको इसकी नेट क्वांटिटी बता दूँ तो ये 18 ग्राम्स की है। प्राइस है इसका 85 रुपीज़। छोटू सी बोतल है मेरे पास। इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ये लिक्विडी नहीं है। कलर की भी अगर मैं बात करूँ तो इसका कलर उतना डार्क नहीं है जितना गार्नियर के बीबी क्रीम का था। इसकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, ये थोड़ी देर बाद आपके फेस को थोड़ा सा ब्राइट बना देती है। मतलब 19-20 का अंतर आपको लगेगा ज़रूर, बट हाँ इसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इसके डॉट डॉट अपने फेस पर लगा रखे ना तो उसे बहुत जल्दी ब्लेंड कर लीजिए, नहीं तो ये थोड़ी देर बाद ब्लेंड नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, मैंने अपने हाथ पे निकाल रखी है ये थोड़ी सी। अब मैं इसे अपने हाथ फेस पे लगा रही हूँ। अगर मैंने ये जल्दी से अपने हाथ पे इसको नहीं रब किया ना तो ये इसी तरीके से लहरा जाएगी। देखिए, जरा सी थी और अभी शायद कैमरे पे दिख नहीं रहा है, बट देख सकते हैं आप। इसकी कवरेज मुझे काफी अच्छी लगती है, फेयर एंड लवली की क्रीम की मुझे कवरेज बहुत अच्छी लगती है इसकी। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके फेस को बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाती है। गार्नियर की क्रीम मुझे ये लगता है कि ऑयली स्किन वालों को नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे आपका फेस थोड़ा सा ऑयली और हो जाता है। बट अगर आपका फेस ऑयली है ना तो आप फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम को एक बार ज़रूर ट्राई करना। सबसे छोटा पैक ले लो और ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि ये आपके फेस का ऑयल बिल्कुल ख़त्म कर देती है। मतलब ये आपको मैट लुक देती है। अब मैंने लगा लिया ये। इसके दावे भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें भी लिखा गया है कि आपके फेस को मैट लुक देती है, जो कि समर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि हमें इतना ऑयल हो जाता है ना फेस पे, अगर मैं कोई ऑयली क्रीम लगा लूँगी तो वो ऑयल और ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑयली स्किन नहीं चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई चाहते हैं आप, थोड़ा सा चाहते हैं कि भाई ऑयल कंट्रोल हो जाए, तो आप फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप गार्नियर की बीबी क्रीम को ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।